लोकसभा चुनाव की घोषणा होते पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। शहडोल जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रचार सामग्री पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया। शहडोल में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की कार्रवाई शुरू हो गई है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा सड़कों अन्य सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर बैनर फ्लैक्स और योजना के प्रचार प्रसार की सामग्री हटाने का काम शुरू हो गया है। नवागत कलेक्टर तरुण भटनागर पदभार ग्रहण करते ही प्रेस और राजनीतिक दलों से चुनावी संबंधित चर्चा की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई जारी है। सभी शस्त्र लाइसेंस लंबित कर दिए गई है और थाने में जमा कराने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 20 मार्च को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी। शेड्यूल लोकसभा अंतर्गत 8 विधानसभा आती है। शेड्यूल संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। हमारे यहाँ शेड्यूल जिले में 966 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई हैं। इसके साथ ही मतदान कराने के लिए जो मतदान कार्मिक हैं उनका चयन जिले में कर लिया गया है। और आज जो है रिसीट और डिस्पैच का जो सेंटर है जहाँ पे स्ट्रांग रूम होंगे, काउंटिंग होगी, उसका भी मैंने अवलोकन किया है और वो व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित हम यहाँ जिले में की गई हैं जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है उसके अनुरूप। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो है आदर्श आचरण संहिता जिले में प्रभावी हो गई है। प्रतिबंधात्मक आदेश जो इस क्रम में जारी होने हैं वो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रथम चरण में जो अधिसूचना का प्रकाशन होना है वो 20 मार्च को होगा और उसके बाद नॉमिनेशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च है। स्क्रूटनी जो है वो 28 मार्च को होगी। विड्रॉल जो है उसका लास्ट डेट 30 मार्च है और जो मतदान होगा, पोलिंग की जो डेट है वो 19 अप्रैल है और जो काउंटिंग है वो 4 जून को होगी। ये निर्वाचन का जो है कार्यक्रम है। संपत्ति विरूपण की कार्रवाइयाँ और जो शस्त्र लाइसेंस निलंबन होते हैं क्या क्या होता है? शस्त्र लाइसेंस निलंबन करने के लिए जो आयुध अधिनियम है उसके अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जो होते हैं वो आज उसके अंतर्गत जो कार्रवाई शस्त्र निलंबित करने की होती है वो उसका आदेश जारी कर दिया गया है। संपत्ति विरूपण के अंतर्गत कार्रवाइयाँ जो हैं वो प्रारंभ कर दी गई हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ जितने भी प्रमाइसिस हैं, जो चाहे बिजली के खंभे, वृक्ष हैं या शासकीय दफ्तर इत्यादि पे जितने भी इस तरीके के डिफेसमेंट हैं उन सबको हम लोग रिमूव करेंगे और संपत्ति विरूपण अधिनियम को पूरी तरीके से जो है जिले के अंदर जो है लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है जो अपेक्षित कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। शेड्यूल से जुगल किशोर मिश्रा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय।